टी20 क्रिकेट कप के मैचेस दिलचस्प जारी हैं, कांटे के मुकाबले हो रहे हैं, लेकिन आज ट्रिपल हेडर था और उसमें पहला मैच साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश और 104 रन से हरा दिया साउथ अफ्रीका ने। इंडिया ने 56 रन से हराया नेदरलैंड को। विराट कोहली की शानदार परफॉर्मेंस और रोहित शर्मा की, सूर्या कुमार यादव की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। और अब तीसरा मैच खेला जा रहा है, आज ट्रिपल हेडर था टूर्नामेंट में। तीन मैचेस खेले जा रहे हैं, दो खेले गए हैं, खेला जा रहा है पाकिस्तान वर्सेज जिम्बाब्वे। और जिम्बाब्वे ने टॉस जीत कर अब बैटिंग का फैसला किया, बड़ा ब्रेव डिसीजन है। और मरियम आज अब थोड़ी सी ढीली नजर आ रही है, लगता है तबीयत आपकी ठीक नहीं है। थोड़ी सी तबीयत खराब है, लेकिन अब मैच है तो थोड़ा सा एक्टिव हो के। ये तबीयत आपकी वाकई में खराब है या पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को लेकर खराब हो गई है? नहीं, अभी पाकिस्तान परफॉर्म करेगा, मुझे लगता है कि आज अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। और पहला मैच पाकिस्तानी टीम हारी हुई है भारत के हाथों, तो एक नफसियाती दबाव भी होता है, इस पर हम बात करेंगे आज हमारे। और उसके साथ साथ पॉइंट्स जो मिलेंगे ना पाकिस्तान को, ये भी बड़े अहम हैं। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो क्रिकेट इंडिया ने खेली है, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, उन्होंने भी टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया था। तो टीमें अब इस चीज को समझ रही है कि टॉस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला करना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। हां बिल्कुल। और आज अगर कहा जाए कि मैचेस की हैट्रिक हो गई है तो गलत नहीं होगा, बिकॉज आज पूरा दिन भरपूर हैपनिंग के साथ रहा है। आज स्केड्यूल में तीन मैचेस खेले गए जिसमें से एक अब भी जारी है। पहला मैच खेला गया साउथ अफ्रीका बांग्लादेश के दरमियान, जिसमें साउथ अफ्रीका ने अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली है। जी हां, साउथ अफ्रीका विनर रहा। साथ नेदरलैंड और इंडिया के दरमियान मैच खेला गया, जिसमें इंडिया ने भी अपना दूसरा मैच जीत से अपने नाम कर लिया है। और ग्रुप बी में वो ये है कि इंडिया ने क्योंकि पाकिस्तान को हरा दिया है, तो इंडिया तो अभी भी मतलब अगर हम सिचुएशन देखें तो इंडिया पाकिस्तान हम कोई बहुत बड़ा अपसेट हो अलग बात है, लेकिन लगता नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान नेदरलैंड से, आज इंडिया तो नेदरलैंड से भी जीत ही गया, लेकिन लगता नहीं है कि पाकिस्तान भी नेदरलैंड से हारेगा या बांग्लादेश से मजीद हारेगा या जिम्बाब्वे से आज हारेगा। उसी तरह नहीं लगता मुझे कि इंडिया जो है जिम्बाब्वे से हारेगा या बांग्लादेश से हारेगा आगे। तो अब बात सारी आ रही है जो साउथ अफ्रीका से दोनों टीमों के मैचेस है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इंडिया को एडवांटेज अब ये क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान को हराया हुआ है, तो वो अगर साउथ अफ्रीका से हारते भी हैं तो वो फिर भी सेमीफाइनल के लिए मतलब कंटेंशन में रहेंगे। लेकिन साहब इस पिक्चर को और थोड़ा सा मजीद क्लियर भी करते हैं, लेकिन अभी इस पे मजीद भी बात करते हैं। ऑब्वियसली पोजिशनिंग काफी चेंज हो रही है, लेकिन पॉइंट्स टेबल का जिक्र करना भी बहुत जरूरी हो चुका है। जी हाँ, स्क्रीन पर पॉइंट्स टेबल आप वाज़े तौर पर अब आपके सामने आएगा, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि अब किसकी क्या पोजीशन हो गई है। जी हाँ, वाज़े तौर पर इस वक्त देखा जा सकता है पॉइंट्स टेबल पे कि सबसे टॉप पर इंडिया विराजमान है। जी हाँ, इंडिया के 4 पॉइंट्स टोटल हो चुके हैं, जिसमें से 2 मैचेस 2 विन कर चुका है इंडिया। और सेकेंड पोजिशन की बात करें तो साउथ अफ्रीका, जिसमें से अब तक 2 मैचेस हुए हैं, 1 मैच उन्होंने विन किया है, 1 नॉट रिजल्ट रहा। और उसके साथ अगर रिजल्ट की बात करें टोटल पॉइंट्स की, तो 3 पॉइंट्स साउथ अफ्रीका हैं। और इसी तरह से अगर पाकिस्तान की भी जिक्र करें तो पाकिस्तान 1 मैच जिसमें से 1 वो हार चुका है, और अब तक पॉइंट्स टेबल पर 0-0 पोजिशनिंग है पाकिस्तान की। जी भाई साहब, सब पॉइंट्स टेबल स्क्रीन पर हमारी सामने है, क्या समझते हैं इस वक्त टॉप पे तो इंडिया विराजमान है, कितनी ज्यादा इस ग्रुप में अब आप देख रहे हैं पाकिस्तान का कैसा सर्वाइवल देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए पाकिस्तान का मैं वही कह रहा था कि साउथ अफ्रीका से जो इंडिया पाकिस्तान के मैच होंगे वो डिसाइड करेंगे बेसिकली कि क्या होता है, कौन सी दो टीमें सेमीफाइनल में आती है। इंडिया को सिर्फ एडवांटेज ये कि इंडिया अगर साउथ अफ्रीका से हार भी जाता है तो इंडिया ने क्योंकि पाकिस्तान को हराया हुआ है तो इंडिया को वो एज मिलेगा, 2 पॉइंट्स का उनको एडवांटेज है। लेकिन पाकिस्तान का इंडिया साउथ अफ्रीका को हराना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को नहीं हरा पाया तो फिर पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं आ पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। साउथ अफ्रीका को एक प्रॉब्लम यह है कि वो उनका क्योंकि बारिश हो गई थी जिम्बाब्वे से मैच में, तो वो 1 पॉइंट को गिरा हुआ है। लेकिन इवेंचुअली मुझे तो लगता है कि जो अगले जुमेरात को पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच होगा वो बेसिकली पाकिस्तान के लिए भी और साउथ अफ्रीका के लिए भी समझ लें कि उनके लिए ये सेमीफाइनल होगा, नॉकआउट मैच होगा इस वर्ल्ड कप का। जो जीतेगी टीम वो मोस्ट प्रॉबली मुझे लगता है कि सेमीफाइनल में आएगी। और अभी संडे को भी साउथ अफ्रीका और इंडिया जीते हैं, खासकर साउथ अफ्रीका जो मैच जीता सुबह में बांग्लादेश से,
उन्होंने मतलब इतने बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है 104 रन से कि उनका नेट रन रेट बहुत ज्यादा बेहतर हो गया है और वो इस वक्त जो है पाकिस्तान का जो नेट रन रेट है वो माइनस पे चल रहा है। तो पाकिस्तान को अपना नेट रन रेट भी बेहतर करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये इस ग्रुप की जो पोजिशन आ रही है वहां वो ऐसी है कि मुझे लग रहा है कि एवेंचुअली जो है नेट रन रेट का इसमें बहुत बड़ा हाथ होगा। और हमने देखा है वर्ल्ड कप्स में कि बहुत दफा ऐसा होता है कि टीमें जो है बाहर हो जाती हैं, एक पॉइंट्स बराबर होते हैं लेकिन नेट रन रेट पर टीमें बाहर होती है। लास्ट वर्ल्ड कप में जो है साउथ अफ्रीका नेट रन रेट पर बाहर हुई, फिर उसका 2019 का जो वर्ल्ड कप था 50 ओवर वाला उसमें पाकिस्तान बाहर हो गया था, सेमीफाइनल नहीं क्वालिफाई कर पाया था नेट रन रेट की वजह से। हालांकि पाकिस्तान ने 4 मैच लगातार जीते थे, अपने आखिरी 4 मैच लगातार जीते थे। तो नेट रन रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखना ही पड़ेगा कितने रन जिम्बाब्वे कर पाता है और उसके बाद पाकिस्तान कितने जल्दी ये रन जो है बनाने की कोशिश करता है। लेकिन लग यही रहा है कि पाकिस्तान मैच जीतेगा पर्थ में जो इसमें चल रहा है। दूसरा मैच खेला गया पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में खेला गया, जिसमें इंडिया का मुकाबला था नेदरलैंड्स के साथ। और इंडिया और नेदरलैंड्स के दरमियान जो ये मैच था इसमें इंडिया बैटेड फर्स्ट, दे वाज डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 179 रन बनाए। इस मैच की समरी जो है वो इस वक्त आपके सामने है। एक और 50 स्कोर की विराट कोहली ने। दिस कुड वेल एंड ट्रूली टर्न आउट टू बी विराट कोहलीज वर्ल्ड कप, यू नेवर नो। बैक टू बैक 50s कोहली ने बना ली हैं, पहले अगेंस्ट पाकिस्तान एंड नाउ अगेंस्ट नेदरलैंड्स। सूर्य कुमार यादव का बल्ला भी चला और खूब चला, उन्होंने भी एक बर्क रफ्तार जो है वो 50 बनाई, जिन्होंने सूर्य कुमार ने 25 गेंदों पे बनाए 51 रन। रोहित शर्मा ने 39 गेंदों पे 52 रन बनाए, लेकिन रोहित शर्मा को एक ज़िंदगी मिली थी अपने बिल्कुल इनिंग के आगाज़ में, काफ़ी आसान कैच उनका जो है वो नेदरलैंड्स के फील्डर गालबन प्रिंगल थे, उन्होंने ये कैच छोड़ दिया था। जवाब में नेदरलैंड्स की टीम जो है वो मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 123 रन ही बना सकी। 156 रन से इंडिया ने कामयाबी हासिल की। याद रहे कि आज सुबह जो पहला मैच हुआ था उसमें साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को 104 रन से शिकस्त दी, दूसरे मैच में 56 रन से शिकस्त हुई है। अब देखते ये हैं कि पाकिस्तान विल दे मेक इट अ हैट्रिक ऑफ प्रिटी वन साइडेड मैचेस। इस टूर्नामेंट में ऑफ कोर्स देयर हैव बीन अपसेट्स, देयर हैव बीन इन फैक्ट सबसे बड़ा अपसेट जो हो गया है वो तो आयरलैंड ने इंग्लैंड को शिकस्त दी, इवन दो डकवर्थ एंड लुईस सिस्टम के तहत ये मैच गया था, लेकिन उसके बावजूद यू रियली कैन नॉट टेक द क्रेडिट अवे। हम कल भी ये बात कर रहे थे कि आप आयरलैंड से जो है वो क्रेडिट नहीं, उन्होंने बड़ा सवेरा उन्होंने दबा के रखा, उन्होंने इंग्लैंड को खुल के खेलने का मौका। गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।